बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भी केएल राहुल फ्लॉप हो गए। उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन ये उम्मीद पूरी ना हो सकी। पिछले कुछ समय से वो फ्लॉप हो रहे हैं। फैंस को लग रहा था, सबको ये उम्मीद थी कि वो बांग्लादेश के खिलाफ इस टेस्ट मैच में, दूसरे टेस्ट मैच में, सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में एक बड़ी पारी खेलेंगे, मगर ऐसा हो ना सका। वो 45 गेंदों पर सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए। इस दौरान उनके बल्ले से सिर्फ एक चौका निकला। दूसरे दिन जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो सबको ऐसा लग रहा था कि केएल राहुल इस मैच में बड़ी पारी खेल सकते हैं। इसकी वजह यह है कि वो पिछले काफ़ी समय से फ्लॉप हो रहे थे और उनके ऊपर काफ़ी सवाल उठ रहे थे, उनकी काफ़ी आलोचना हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि केएल राहुल इन आलोचनाओं का जवाब दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और वो सस्ते में आउट हो गए। केएल राहुल दूसरे टेस्ट के पहले दिन भी दो बार आउट होते होते बचे थे, लेकिन उन गलतियों से उन्होंने कुछ नहीं सीखा और दूसरे दिन भी वो गलती करके LBW हो गए। मोहम्मद कैफ और मनिंदर सिंह का मानना है कि राहुल की दिक्कत तकनीकी कम और जहनी ज़्यादा है। वो टू माइंड्स में रहते हैं, जिससे वो शॉट खेलते हुए खुद को पूरी तरह कमिट नहीं कर पा रहे। अजय जडेजा का मानना है कि कुछ वक्त के लिए इस खिलाड़ी को बेसिक्स पर लौटना चाहिए और जो रिस्क टेकिंग शॉट है उनको कंट्रोल करें और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर वो धीरे धीरे भी एक बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं तो वो इस जोन से निकल आएंगे। केएल राहुल के इस फ्लॉप परफॉर्मेंस को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। केएल राहुल ने इस साल 7 टेस्ट पारियों में 22.3 की औसत से 134 रन बनाए हैं। बात सिर्फ टेस्ट मैचेस की नहीं है, छोटे फॉर्मेट में भी टीम इंडिया को इस टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ने निराश किया है। वो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं और टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दे पाते। वो खुद अपना विकेट तो गंवाते ही हैं, उनके कारण टीम को अच्छी शुरुआत भी नहीं मिल पा रही। इस साल उन्होंने 27 T20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 28.92 की औसत से 130 से कम के स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 723 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका बेस्ट परफॉर्मेंस 69 रन का रहा। राहुल को भविष्य के कप्तान के तौर पर देखा जाता है। उनसे बड़ी उम्मीदें लगाई जाती हैं कि वो बड़ी बड़ी पारियां और इम्पैक्टफुल पारियां खेलकर टीम को जीत दिलाएंगे। राहुल को अब यहां से छुट्टियों पर जाना है, उनकी शादी हो रही है और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि लेडी लक उनकी ज़िंदगी में गुड लक लेके आए।